जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी ने आपका बीपीएससी टीआरई 3 और 17वीं बीपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आज बीपीएससी चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि क्या क्या इसमें चेंज किया है। अब देखिए, इसमें आपका पहला ये है कि क्वेश्चन पेपर सबका अलग अलग होगा। ये पेपर कैसे होगा आगे आपको बताएँगे। फिर इसमें आपका नंबरेशन होगा, ठीक है, और नंबरेशन होने से किसको फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, और कट ऑफ पर इसका क्या असर होगा, ठीक है। फिर आप बात करेंगे आगे कि कैसे ये स्टूडेंट के साथ एक धोखा जैसा है, ये भी इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ऐसा बदलाव किया है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट पर सीधे असर होगा। पहला तो आपका ये है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका है ये सभी स्टूडेंट का अलग अलग नहीं होगा। ऐसे मतलब कि ऐसे आपका खबर सुने होंगे कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको बताया गया है कि मुझे 5 से 6 सेट बनेगा क्वेश्चन का, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन सेट बनेगा, और उसमें से किस सेंटर पर किस सेट को देना है यह तय करेगा आपका डीएम, यानी डीएम को पहले बता दिया जाएगा बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से, ठीक है, यानी बीपीएससी की तरफ से, ठीक है। तो ये पता होगा डीएम को कि किस सेंटर पर किस कोड को भेजना है, कलर कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके भेजेंगे। तो 5 से 6 सेट बना हुआ है, ठीक है, 5 से 6 सेट बना हुआ है, और किस सेंटर पर कौन सा सेट जाएगा ये डीएम तय करेगा, यानी बीपीएससी डीएम को बता देंगे और डीएम ये बाद में यानी सेंटर पर भेजा जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। यानी मान लीजिए किसी सेंटर पर मान लीजिए ए सेट भी गया है, किसी सेंटर पर आपका मान लीजिए बी सेट गया है। ए सेट मतलब ये ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन का सेट ए ही है, नहीं, कोड बता रहे आपको, ठीक है। तो ऐसा होगा कि किसी सेंटर पर आपका ए कोड का गया होगा, किसी सेंटर पर आपका बी कोड का गया होगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और किसी सेंटर हो सकता है आपका कि सी कोड का पेपर गया होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि सबका क्वेश्चन आपका डिफरेंट रहेगा, जैसे इस सेंटर पर जो गया होगा वो पेपर अलग होगा इस पेपर से, ठीक है, तो तीनों में आपका क्या होगा डिफरेंट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जिस सेंटर एक सेंटर पर एक ही तरह का पेपर रहेगा उसमें प्रत्येक स्टूडेंट को एक ही तरह का क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हाँ क्वेश्चन आपका चेंज रहेगा, ठीक है, ऑप्शन चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा एक सेंटर पर, ठीक है। हो सकता है आपका दूसरा सेंटर पर कि दूसरा कलर कोडिंग का उसको पेपर मिला हो तो उसका क्वेश्चन ही पूरा अलग रहेगा, ठीक है, दूसरा सेंटर पर जो मिलेगा। तो इस तरह से आपका 5 से 6 सेट बनाया है और कौन सेंटर पर कौन सा कलर कोड का जाना है ये बीपीएससी तय करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटर पर आपका अलग बुकलेट गया हो, किसी और सेंटर पर दूसरा बुकलेट गया हो और किसी और सेंटर पर तीसरा बुकलेट गया हो। तो ऐसा होगा कि इस सेंटर मान लीजिए जो बुकलेट मान लीजिए ए गया है कोड, तो उसका पेपर और बी जो गया है उसका पेपर में डिफरेंट होगा, कोई हो सकता है कोई हार्ड हो कोई ईजी हो। तो ऐसा करेगा बाद में कि इसी के बेसिस पर नॉमिनेशन करेगा, ठीक है। तो देखिए, नॉमिनेशन में ये होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कम क्वेश्चन बनाकर भी उसका मार्क अच्छे आ जाते हैं, कम क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और मान लीजिए अटैम्प्ट कम किया तो उसका ऐसे होता है नॉमिनेशन में कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कोई मान लीजिए 120 में मान लीजिए 110 या 115 अटैम्प्ट किया या 120 क्वेश्चन बना गया है और उसको कभी कभी ऐसा होता है कि कम नंबर भी आ जाते हैं नॉमिनेशन में, ठीक है, कैसे होता है ये भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर सबका अलग नहीं होगा, समझ गए, यानी हो सकता है कि एक आपका अलग अलग सेंटर पर पेपर अलग अलग हो लेकिन एक ही सेंटर पर सबका पेपर एक ही रहेगा। हाँ, आपका बुकलेट चेंज रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका अलग चेंज रहेगा लेकिन अलग नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शन चेंज रहेगा लेकिन अलग नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा सेंटर पर आपका पेपर अलग रहेगा, तीसरा सेंटर पर हो सकता है आपका उसका पेपर अलग हो, ठीक है। इसीलिए सबको पेपर जब अलग अलग रहेगा सेंटर पर इसीलिए नॉमिनेशन किया जाएगा, जैसे आपका SSC में होता है, ठीक है। तो नॉमिनेशन से होता क्या है कि कोई स्टूडेंट कम क्वेश्चन बनाकर भी उसका अच्छा मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि सेंटर ए है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ए कोड गया, कहीं सेंटर आपका बी है वहाँ आपका बी गया, ठीक है। तो ऐसे होता है कि इसका पेपर मान लीजिए हार्ड है, ठीक है, इसका हार्ड है, इसका मान लीजिए थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, तो ये भी मान लीजिए इसका क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही है और इसका मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही है, फिर भी नॉमिनेशन करेगा तो बी कोड वाले का ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है, उसको ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर हार्ड था,
क्वेश्चन नंबर आपका इसका कम आ रहा है तो नोवेशन करके इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसका भी कभी कभी मार्क्स आपका ज़्यादा आ जाते हैं, और जो ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं वो भी कभी कभी इसका मार्क नहीं उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इससे ये होता है नोवेशन से कि जो एक्चुअल स्टूडेंट है उसको नुकसान होता है, ठीक है, जो एक्चुअल स्टूडेंट है जो पढ़कर तैयारी किया अच्छे से उसको नुकसान हो जाता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, जो नॉर्मल अटेम्प्ट करते हैं उसका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इससे नोवेलेशन करने से एक घाटा है, अच्छे स्टूडेंट के लिए घाटा है, ठीक है। तो ये बीपीएससी ने कर दिया है, इसमें कह रहा कि बुकलेस सेंटर सबका सेंटर पर अलग अलग होगा और नोवेलेशन इसमें होना ही है, और जब भी नोवेलेशन होगा तो इसमें यह होगा कि किसी को फ़ायदा होगा किसी को नुकसान होगा, ठीक है। जो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा लगभग उसी का नुकसान रहता है, जो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है उसका लगभग मार्क्स आपका नोवेलेशन में अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये परेशानी है यहाँ पर। अब देखिए इससे कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, ये ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस बार, देखिएगा कट ऑफ पर आपका इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबका पेपर अलग अलग तरह करेगा, सेंटर बात कर रहे हैं, कोई एक सेंटर पर सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक सेंटर पर जैसे सब स्टूडेंट का पेपर अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, सेंटर पर आपका अलग सेम रहेगा। हाँ, दूसरा सेंटर पर आपका पेपर हो सकता है दूसरा हो, तीसरा सेंटर हो सकता है आपका पेपर तीसरा हो, लेकिन टोटल आपका छः सेट बनेगा, पाँच से छः सेट बना है वही आपका सभी सेंटर पर आपका अलग अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम किया है, तो नोवेलेशन करना ही पड़ेगा, नोवेलेशन करेगा तो किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, इससे आपका क्या होगा कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, कट ऑफ आपका अधिक जाएगा इस बार, देखिएगा, क्योंकि नोवेलेशन होगा, जैसे नोवेलेशन होता है तो आपका मार्क्स इंक्रीज करता है, इसके आधार पर आपका कट ऑफ भी इस बार बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यह होता है कभी कभी कि जो अच्छे स्टूडेंट है जो अच्छा तैयारी किया है उसको कभी कभी लॉस लगता है। देखिए मान लीजिए कोई 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन है, कोई 120 अटैम्प्ट किया है, मान लीजिए इसका 80 सही हो रहा है, ठीक है, कोई 120 क्वेश्चन है उसमें से वो मान लीजिए 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया लेकिन इसका 60 क्वेश्चन सही है, 80 अटैम्प्ट किया 60 सही है, कोई 120 में 120 अटैम्प्ट किया 80 सही है, तो फिर भी हो सकता है कि ये जो 60 जिसका सही है उसका नोवेलेशन करके इससे ज़्यादा नंबर आ जाए इसको, ठीक है। तो ऐसे होता है, क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भी उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, जो क्वेश्चन ईजी रहेगा वो अधिक बनाकर भी उतना नंबर वो नहीं ला पाएगा, उसका नोवेलेशन में मार्क नहीं बढ़ेगा, जबकि जिसका पेपर हार्ड रहेगा उसका नोवेलेशन में मार्क बढ़ेगा। तो नोवेलेशन में नुकसान होता है, अधिकांशतः तो अच्छे स्टूडेंट का ही नुकसान होता है, ठीक है। आप देख लीजिए एसएससी में आपका इतना कटअप क्यों जाता है, इसी कारण से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीपीएससी ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है यहाँ पर, क्योंकि अब आपका बीपीएससी में नोवेलेशन भी होगा, और ये आपका टीचर जो आपका TRE 3 है इस एग्ज़ाम के साथ साथ आपका अगला बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी होने वाला है इस बीपीएससी पर भी ये लागू होगा, यानी आगे आपका जितना भी बीपीएससी एग्ज़ाम लेंगे इस पर लागू होंगे, ठीक है। सब सेंटर पर आपका पेपर अलग अलग होंगे और इसमें नोवेलेशन होंगे, जैसे नोवेलेशन होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को किसी को लॉस लगेगा किसी को फ़ायदा होगा, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसी को आप मान के चलिए ज़्यादा फायदा होता है, और जो अच्छे स्टूडेंट है उसमें क्या तो वो क्वेश्चन अधिक अटैम्प्ट करता है, अधिक अटैम्प्ट करने के चक्कर में हो सकता है कि इसका मार्क आपका नोवेलेशन में कम बढ़े, ठीक है। तो इससे आपका नुकसान है, अच्छे स्टूडेंट का नुकसान है, तो कोई बात नहीं, आप ये तो लागू कर दिया, अब देखिए एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंटर अलग रहेगा तो आपका हो सकता है पेपर अलग हो, एक सेंटर पर पेपर सबका सेम ही रहेगा, हाँ आपका कोडिंग अलग रहेगा पेपर सेम रहेगा, जैसे हो सकता है कि आपका ऑप्शन चेंज रहेगा, ठीक है, लेकिन हाँ सेंटर चेंज होगा तो पेपर भी चेंज हो सकता है, तो ये किया है, ठीक है। तो ऐसा किया है तो नोवेलेशन करना लाजमी है, नोवेलेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी को कम नंबर आएगा, किसी को पेपर हार्ड पड़ गया, किसी को इजी पड़ गया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और नोवेलेशन करने से नुकसान भी होता है, देख ठीक है। तो ये तो आपको लागू कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा यानी आपका आज बताया है कि ये ऐसे लागू किए हैं, ठीक है, वो यही 10 दिन पहले बताते हैं, 15 दिन पहले बताते थे कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, अब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बता रहे हैं कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बीपीएससी को अभी ये लागू नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नोवेलेशन करने से बहुत सारे स्टूडेंट पर यानी असर पड़ेगा, और इससे कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा, 100% आपका है कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए,
ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए और देखिए पेपर कैसे आ रहा है, क्या चेंज किया है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा होगा तो हो सकता है कि आपका आंदोलन भी हो या आगे देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, जो भी चेंज होगा सबके लिए चेंज होगा। ठीक है, ये सोच के जाना है, जो चेंज होगा वो सबके लिए चेंज हुआ है, सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ है। तो यही आपको समझ कर एग्ज़ाम देने जाना है, जो तैयारी की है अभी तक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है। अब आगे आपको टेंशन नहीं लेना है, और एग्ज़ाम के बाद क्या होता है उसका असर पड़ेगा बाद में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।